कच्चा माल, रॉ मटेरियल, लोहा बनाने का कच्चा माल हम बेचते हैं, मैग्नीज ओर हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। 1956 में महाराज जी 7 रुपए किलो हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते थे, 1990 एक किलो कच्चा लोहा 7 रुपए में बेचते थे, आज वही लोहा 15 पैसे में बिकता है। जो लोहा हम 7 रुपए किलो में बेचते थे दुनिया के बाजार में कच्चा लोहा, वही लोहा अब हम 15 पैसे किलो में बेच रहे हैं, माने हर एक किलो लोहे के निर्यात पर 6.85 रुपए का हानि हो रहा है, और हर दिन 2 करोड़ टन कच्चा लोहा इस देश से विदेश जा रहा है। 1 टन में 1000 किलो होता है, 2 कोटी में 1000 का गुणा करो और उसमें 6.85 रुपए का और गुणा करो, हर दिन इतने 1000 करोड़ रुपए का नुकसान लोहे के निर्यात में। इसी तरह मैग्नीज और एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हम कॉपर का और एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, सिलसिलाई कपड़े, खादी के कपड़े, कॉटन के वस्त्र, ये सब जो हम कुछ बाहर बेचते हैं, ये सब में हमको भयंकर हानि होती है, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत है, रुपया कमजोर है। डॉलर कमजोर मजबूत है क्योंकि वो हमने कर्ज ले रखा है डॉलर में, जिस करेंसी में आप कर्ज लेंगे उसकी कीमत बढ़ेगी और आपकी करेंसी की कीमत गिरेगी। इसका एक दूसरा दुष्प्रभाव और होता है महाराज जी, हम जब दूसरे देशों से कुछ खरीदते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं, वो महंगा हो जाता है, जो हम बेचते हैं वो सस्ता है, जो खरीदते हैं महंगा है, सस्ता बेचे महंगा खरीदे तो घाटे का धंधा, और घाटे के धंधे को पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना, कर्ज का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना है, इस तरह के दुष्चक्र में हमारा देश अभी फंसा हुआ है। और ये कितना महंगा है, एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी जो कुछ हम खरीदते हैं आज, 45 रुपए लीटर हम पेट्रोल खरीदते हैं, 30 रुपए लीटर डीजल खरीदते हैं, 300 रुपए का एलपीजी गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, ये कब जब $1 1 रुपया है तब, मान लो सॉरी $1 44 रुपया है तब, मान लो $1 1 रुपया होता तो भारत ने कर्ज नहीं लिया होता, $1 1 रुपया होता तो पेट्रोल की कीमत ₹1 लीटर, ₹1.57 लीटर पेट्रोल हमें मिलता, डीजल की कीमत 40-45 पैसे लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर 15 या 20 रुपए, दिल्ली से अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस दिल्ली आना 450 रुपए में, मुंबई से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई वापस आना एसी स्लीपर क्लास मुश्किल से 22-23 रुपए में। हर चीज इस देश में आज जिस कीमत पर मिल रही है उससे 44 गुनी सस्ती हो जाती सीधे सीधे, अगर रुपया डॉलर बराबर होता। रुपया डॉलर कब बराबर होता, जब भारत कर्ज मुक्त होता, कर्ज नहीं लिया होता, अर्थात जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को दुष्चक्र में फंसाया है, ईश्वर उनकी आत्मा को कभी शांति प्रदान न करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे देश में कहते हैं मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, मैं कहता हूं कि जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा दिया, जिंदगी भर उनकी आत्मा भटकती रहे, उनको कोई योनि न मिले, क्योंकि जितना बड़ा पाप कर्म वो करके चले गए, अब उसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली बीसियों पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अब दुष्परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है, हम तो फंस गए कर्जे के चक्कर में, हमने कभी कर्ज मांगा नहीं, कर्ज सरकार ने लिया, नागरिकों को उसका भुगतान करना है। कैसे, कर्ज तो सरकार लेती है, कर्ज का ब्याज भरने के लिए वो टैक्स आपके ऊपर लगाती है, और टैक्स हर साल इस देश में बढ़ता जाता है। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे खराब देशों में माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा टैक्स है। इस देश में टैक्स 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 इतने ज्यादा हैं कि आपका दिमाग घूम जाए। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाना शुरू कर दूं कि आप कितना टैक्स भरते हैं सरकार, आप हिंदुस्तान की सरकार को 3 स्तर पर टैक्स देते हैं, एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, दूसरा राज्य सरकार को देते हैं, फिर तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देते हैं, और अभी ग्राम पंचायत को भी देना शुरू हो गया इस देश में। तो आप जो टैक्स भरते हैं वो 2 तरह के हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर के रूप में डायरेक्ट टैक्स, और एक तो इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के रूप में। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनकम टैक्स
जो आप भरते हैं, और इनकम टैक्स का एक भाई है कॉरपोरेट टैक्स जो आप कंपनी के रूप में भरते हैं। ये दोनों जो है ना वो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। इनको छोड़कर जितने भी टैक्स आप भरते हैं वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, सीएसटी, एसएसटी, एसएसटी को खत्म करके अब वैट लाया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स भरते हैं, एग्जिट टैक्स देते हैं, एंट्री टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं, सब तरह का जो टैक्स देते हैं आप वो सभी इनडायरेक्ट हैं। दो टैक्स डायरेक्ट हैं, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। हाँ, ये टैक्स के रूप में आप जितना पैसा देते हैं भारत सरकार को, उसका मैंने इस साल के बजट में से हिसाब निकाला। हर साल महाराज जी भारत के लोग आज की तारीख में 7,50,000 करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं हर साल। भारत के लोग 7,50,000 करोड़ रुपए केंद्र को, राज्य को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, तीनों स्तर पर कैसे भरते हैं मैं आपको सरल सरल शब्दों में समझाता हूं। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं 45 रुपए का आता है। आपको मालूम है 1 लीटर पेट्रोल मात्र 12 रुपए का बनता है आज की तारीख। 1 लीटर पेट्रोल को भारत देश में जो कंपनी बनाती है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उनकी बैलेंस शीट के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए खर्च होता है। 7 रुपए खर्च होता है कच्चा तेल खरीदने में 1 लीटर, 5 रुपए खर्च होता है 1 लीटर कच्चे तेल को 1 लीटर पेट्रोल बनाने में, लगभग 12 रुपए लीटर में पेट्रोल बनता है। अब उस पर 33 रुपए महाराज से टैक्स लगता है। 12 रुपए लीटर में जो पेट्रोल उत्पादन होता है उस पर 33 रुपए टैक्स का लगता है। कहां से शुरू होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर सीएसटी, फिर राज्य के ऊपर लगने वाले तमाम कर, फिर बहुत तरह के दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। टोटल टैक्सेस 33 रुपए बैठता है, उत्पादन खर्चा 12 रुपए बैठता है, अर्थात पेट्रोल के खर्चे से ज्यादा पेट्रोल का टैक्स। आपने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, 33 रुपए सरकार के खजाने में जमा कर दिया टैक्स के रूप में, 2 लीटर पेट्रोल खरीदा 66 रुपए जमा किया। हर दिन भारतवासी 500 करोड़ लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और 1 लीटर पे 33 रुपए टैक्स देते हैं, तो 500 कोटी में 33 का गुणा कर दीजिए, लगभग 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए का टैक्स हर दिन आप देते हैं पेट्रोल खरीदने में। इसी तरह डीजल, डीजल का उत्पादन खर्च 10 रुपए लीटर है और उसका टैक्स 20 रुपए लीटर है। डीजल के उत्पादन खर्च से 2 गुना उस पर टैक्स। भारत के किसान 300 कोटी लीटर डीजल हर दिन खरीदते हैं और हर दिन 6,000 कोटी रुपए टैक्स का देते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी खरीदें, आप मान लीजिए मुंबई में अपना घर बनाए, घर बनाने के लिए आपको सीमेंट लगेगा, सीमेंट का एक पैकेट बाजार से 130 रुपए में आप जब खरीदते हैं तो उसमें 65 रुपए टैक्स जाता है। एक पैकेट सीमेंट का बनाने का खर्चा मात्र 65 रुपए ही आता है, 65 रुपए उसमें टैक्स जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने घर बनाया और 2 लाख रुपए का सीमेंट उसमें खर्च किया, तो 1 लाख रुपए आपने सीधे सरकार के खजाने में टैक्स का दे दिया। लोहा आप खरीदते हैं, लोहा लगाते हैं घर में, 27 से 30 रुपए किलो का लोहा मिलता है, 12 से 15 रुपए किलो का लोहा बनता है, उस पर लगभग उतना ही टैक्स आप देते हैं। फिर आप ईंट खरीदते हैं, ब्रिक्स, 4 रुपए की अगर एक ईंट है तो 2 रुपए टैक्स में जाता है, 2 रुपए उसका उत्पादन खर्चा है। फिर ईंट के साथ बालू लगती है, बालू जो महाराज जी फोकट की आती है उस पर भी टैक्स लगता है। बालू को कोई सरकार नहीं बनाती, वो ईश्वर देता है। पानी आता है बारिश का, पहाड़ों पे गिरता है, पहाड़ से बालू बहकर पानी के साथ आती है, नदी की तलहटी में जमा हो जाती है, वो बालू को सरकार हमें बेचती है, हमसे टैक्स भी लेती है, रॉयल्टी भी लेती है, बालू फोकट की होती है। फिर आप उसके बाद घर बन गया तो उसके बाद बिजली के तार डालते हैं, बिजली के तारों पर टैक्स है, बिजली के स्विच पर टैक्स है,
बल्ब खरीदा, ट्यूबलाइट खरीदा, उस पर टैक्स है। बाथरूम बनाया, उसमें जो कुछ लगाया उस पर टैक्स है। रसोई घर बनाया, जो कुछ लगा उसमें टैक्स है। मैंने महाराज जी एक हिसाब निकाला कि 10 लाख रुपए का आदमी अगर घर बांधेगा तो कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स में चला जाएगा। माने हर आदमी जो घर बांध रहा है वो सरकार को टैक्स भर रहा है, और घर बांधा तब आपने टैक्स दिया। अब घर बंद गया उसके बाद जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से देना, वो जिंदगी भर देना, और वो स्क्वायर फिट के हिसाब से देना है। और उस घर के नीचे सड़क पर चलना है तो उसका टैक्स अलग से देना है आपको। सड़क पर अगर गाड़ी चलानी है तो उसका टैक्स अलग से देना है। जिस दिन आप गाड़ी खरीदेंगे उस दिन एडवांस में सरकार पूरा टैक्स आपसे ले लेती है। अब वो रोड टैक्स के नाम पे आप दे देते हैं, फिर वही गाड़ी को जब सड़क पर लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स अलग से भरना पड़ता है। और वो टोल टैक्स का तो इतना बुरा हाल है महाराज जी, मुंबई से अगर पुणे चले जाए एक्सप्रेस हाईवे से तो 140 रुपए टोल टैक्स, 140 रुपए जाना, 140 रुपए आना, जितना डीजल खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा उस पर टैक्स लगता है। रोड टैक्स दिया, फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? टोल टैक्स अलग से देना है, रोड टैक्स अलग से देना है, फिर उसमें सरचार्ज अलग देना है, सेस अलग देना है। इतने इतने तरह के टैक्स सरकार हमसे ले रही है, फिर भी सरकार का पेट नहीं भर रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स। और मैं सरकार के नेताओं से जब बात करता हूं कि आपको शर्म नहीं आती है, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाओ तुम सब लोग, इतने हरामखोर हो, हम तुमको हर साल 7.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं और तुम हमको बीज नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, रहने को घर नहीं दे सकते, चलने को सड़क नहीं दे सकते, खाने को रोटी नहीं दे सकते, ऐसे हाल इस देश में। 105 करोड़ की प्रजा में 44 करोड़ की प्रजा ऐसी है महाराज जी जो शाम को भोजन नहीं कर पाती, वो संयम से भोजन छोड़ते हैं, बात अलग है, खाने को चाहिए लेकिन है नहीं इस देश में उनके। 50% आबादी हमारे देश की है जिसके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज जी 20 करोड़ परिवार इस देश में रहते हैं जिनमें से 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को बैठने के लिए संडास की व्यवस्था नहीं है इस देश में। 14 करोड़ परिवार, वो परिवार की माताओं बहनों को सड़क पर बैठना पड़ता है खुले में संडास के लिए। 3.5 लाख गांव हैं इस देश में जहां रोज पीने का पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी सप्ताह में एक दिन या सप्ताह में दो दिन अधिक से अधिक मिलता है। और कई गांव तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी लेने के लिए 10 मील पैदल जाना पड़ता है तब एक माटला पीने का पानी मिलता है। कई परिवारों की माताओं को सवेरे 3 बजे पानी लेने जाना, 6 बजे तक पानी लेके आना, खाना बना के फिर 8-9 बजे पानी लेने जाना, दोपहर 2 बजे तक पानी लाना, फिर शाम का खाना बनाना, फिर पानी लेने जाना, फिर वापस आना, जिंदगी उनकी पानी लाने में ही बीत जाती है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक कानून मंत्री को पत्र भेजा था और उनको मैंने पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा जो मुकदमे होते हैं वो किस बात पर होते हैं, तो उन्होंने कहा पानी के झगड़े में सबसे ज्यादा मुकदमे इस देश में होते हैं। नल के सामने सबका बाल्टी लगा हुआ है, पहले मुझे लेना कि पहले तुम्हें लेना, इसी में झगड़ा होता है और इसी में FIR होती है। माने जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है पीने का पानी, सांस लेने को हवा, वो हमारे देश की सरकार हमारे लाखों गांव को नहीं दे पा रही है। इनको 7.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स लेने का अधिकार क्या है? ये बात जब मैं उनसे कहता हूं नेताओं के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है, जवाब नहीं देते हैं। मैं कहता हूं उनको कि भाइयों तुम्हारी उस दिन तक जय जयकार है जिस दिन इस देश की, जिस दिन तक इस देश की प्रजा सो रही है, जिस दिन उसको मालूम हो गया कि 7.5 लाख करोड़ रुपए वो टैक्स भरते हैं और उसके बाद पीने का पानी नहीं मिलता, चलने को सड़क नहीं मिलती, खाने को रोटी नहीं मिलती, वो आपकी बोटी नोच के खा जाएंगे इस देश में। तुम उस दिन तक ईश्वर से प्रार्थना करते रहो जब तक इस देश की प्रजा को ये माहिती नहीं है। जिस दिन ये माहिती होना शुरू हो गई उस दिन इस देश की प्रजा तुमको सड़क पे खड़ा नहीं रहने देगी। ऐसे हमारे देश में हरामखोरी का शासन आया है। आजादी के पहले जितनी हरामखोरी होती थी आजादी के बाद उससे कई गुनी ज्यादा हो गई है।
अंग्रेज जितना टैक्स कभी नहीं ले पाए इस देश से, उससे ज्यादा टैक्स अब इस सरकार ने लेना शुरू किया है, और इतना टैक्स लेने पे भी दिल नहीं भरता उसका। मैं भारत देश की सरकार की तुलना एक दारू पीने वाले पति के साथ करता हूं। एक शराबी पति होता है, वो रोज अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज पैसा दे दे पीने के लिए। बीवी सोचती है कल सुधर जाएगा, चलो आज दे दो। वो बीवी से लेके जाता, अगले दिन फिर आता, कहता कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज और दे दे। फिर कल उसका कभी आता नहीं। भारत सरकार की यही हालत है, दारू बाजपति के जैसी, जो भारत के नागरिकों के सामने सरकार आती है कहती है आज ये टैक्स दे दो, दो साल के बाद हटा देंगे, तीन साल के बाद हटा देंगे, पांच साल के बाद हटा देंगे, लेकिन वो कभी हटता नहीं। आप बहुत सारे व्यापारी बंधुओं को मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। 1959 और 60 में जब सेल्स टैक्स आया इस देश में, तो केंद्र सरकार ने वायदा किया देश के लोगों से, और वो वायदा प्रधानमंत्री का वायदा था, कोई साधारण व्यक्ति का वायदा नहीं था, कि जैसे ही ये सेल्स टैक्स आएगा हम सीएससी हटा देंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स हटा देंगे। परिणाम क्या हुआ? सेल्स टैक्स भी आया, 45 साल रहा, लेकिन सीएसटी भी रहा, उसको आज तक हटाया नहीं। माने इतने झूठखोर प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं कि संसद में वायदा करें, लोगों से वायदा करें, फिर टैक्स कानून वापस न ले। माने सरकार की हालत है नए नए टैक्स लगाना, नए नए टैक्स लगाना, टैक्स एक भी वापस नहीं लेना, और टैक्स ज्यादा से ज्यादा जब लगता है किसी देश में, उसका एक ही दुष्परिणाम होता है, जिस समाज पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होता है वो समाज की वास्तविक आमदनी कम से कम होती है, रियल इनकम जिसको हम कहते हैं। अगर टैक्स ज्यादा होगा तो रियल इनकम कम होगी। कैसे होगी? आप जितनी कमाई कर रहे हैं वो आपकी जेब में नहीं रहेगी, टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाएगी, और सरकार हमारे लिए गए टैक्स के पैसे से न कभी मंदिर बनाती है, न कभी धर्मशालाएं बनाती है, न कभी पानी की व्यवस्था करती है, न भारत के गरीब लोगों की कोई मदद करती है। वो टैक्स का पैसा जो हम देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता है? विदेशी कर्जे का ब्याज भरने में, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेकर और जो चतुर्थ क्लास कर्मचारी है कारकुन, उसकी पगार भरने। हमारे भारत देश में ब्याज का खर्च इतना ज्यादा हो गया, हर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का हम ब्याज भरते हैं। ऊपर से राष्ट्रपति से लेकर और नीचे चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक को पगार का जो खर्चा है, आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 25 करोड़ रुपए। जब राष्ट्रपति बैचलर है, ब्रह्मचारी है, अकेला है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो 25 करोड़ रुपए साल का खर्चा। जो कभी लालू यादव देश का राष्ट्रपति बना तो आप जानते हैं, लालू यादव बैचलर नहीं है और उसके घर में पूरी क्रिकेट टीम 11 लोग हैं, पति पत्नी 2 और 9 बच्चे। राबड़ी देवी भला हो उसका, 9 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी हैं, और साली साले अगर सब मिला दिए जाए तो पूरा कुनबा 56 लोग हैं महाराज जी उस परिवार। ये कभी अगर राष्ट्रपति बन के पहुंच गया गलती से, क्योंकि रेल मंत्री तक तो हो गया है, राष्ट्रपति भी होने की शक्यता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक अद्भुत देश है, जो आदमी किसी स्कूल का चपरासी नहीं हो सकता वो इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है। जो आदमी इस देश में दुकान नहीं चला सकता वो इस देश में वाणिज्य मंत्री हो सकता है, जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं मालूम वो वित्त मंत्री हो सकता है, और जिसको शिक्षा का ABCD नहीं मालूम वो शिक्षा मंत्री हो सकता है, और जिसको कुछ नहीं मालूम वो प्रधानमंत्री हो सकता है। हमारे देश का विचित्र नहीं, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी पर शासन करे वो समाज की सबसे बड़ी विडंबना। जब अज्ञानी लोग ज्ञानियों पर शासन करेंगे देश ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है। आज तो दुर्भाग्य है कि भारत के राष्ट्रपति बैचलर हैं, अगर जो कभी शादीशुदा व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ तो ये 25 करोड़ का खर्चा कहां जाएगा। उपराष्ट्रपति का साल का खर्चा 22 करोड़ है, प्रधानमंत्री का साल का खर्चा 20 करोड़ है, उप प्रधानमंत्री का 18 करोड़ है, पूरे मंत्रिमंडल का साल का खर्चा 350 करोड़ है, 28 अब तो 30 राज्य हैं, हर एक मुख्यमंत्री और उसके साथ मंत्रियों का खर्चा एक दिन मैंने पूरा जोड़ा 77,000 करोड़ रुपए।
इस देश की सीमा की रक्षा करने वाली जो आर्मी है उसका खर्चा भारत के हरामखोर नेताओं के खर्चे से कम। हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, आर्मी में काम करते हैं, उनका एक साल का खर्चा भारत के भ्रष्टाचारी नेताओं के खर्चे से कम है। ये स्थिति इस देश में। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं वो आपके टैक्स के पैसे से होते हैं, फिर इसके ऊपर भ्रष्टाचार अलग होता है महाराज जी। ये तो पगार का खर्चा है, ऊपर से भ्रष्टाचार के बारे में अब सरकार का ही एक कमीशन कहता है, मैं नहीं कहता, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलता है कि हर साल भारत में 80 से 85 हजार कोटी रुपए का घोटाला होता है, हर साल इससे कम नहीं होता। और अगर कभी कभी कोई कोई साल तो विचित्र निकल आता है, जिस दिन घोटाला और महाघोटाला, जैसे पिछले साल एक घोटाला हुआ अब्दुल करीम तेल की घोटाला, 35 हजार कोटी का घोटाला एक ही आदमी कर दिया। एक जमाने में बोफोर्स घोटाला हुआ था महाराज जी, 170 कोटी रुपए का, आज 35,000 कोटी रुपए का करीब तेल की घोटाला हो चुका। तो ये घोटालों में 80-85 हजार कोटी अलग खर्च होता है, पगार में 77 हजार कोटी खर्च होता है, 1.5-2 लाख कोटी ब्याज में जाता है, इतना ही पैसा हमारे देश के नेताओं के ऊपर खर्च होता है। फिर इसके बाद हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवल फोर्स के ऊपर कुल खर्चा होता है, तो सरकार की पूरी आमदनी इसी में चली जाती है। फिर विकास का छोटा सा भी काम करते हैं तो नया कर्ज लेते हैं और फिर कर्जे के चक्कर में फंसते हैं। अब मैं मूल विषय पे आता हूं, ये तो हुई भूमिका। अब जो कर्ज देने वाले देश है वो हम पर नई नई शर्तें लगाते जाते हैं। एक शर्त लगा दिया रुपए की कीमत गिराओ, अब दूसरी शर्त लगा दिया गेट करार साइन करो, WTO एग्रीमेंट साइन करो, विश्व व्यापार संगठन समझौते को मानो, तुम्हारे हित के विरुद्ध है तो भी मानो। और हमारी सरकार ने इसी कर्जे के चक्कर में 1994 के साल में 15 दिसंबर को एक गेट करार साइन कर दिया, WTO एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसकी शर्तें हैं लगभग 2000। गेट करार में, WTO एग्रीमेंट में 2000 शर्तें हैं, 2000 से थोड़ी ज्यादा है, कम नहीं। और उन 2000 शर्तों के लिए 28 अध्याय उसमें बने हुए हैं, 28 चैप्टर। कुछ कुछ चैप्टर के नाम उसमें दिए हुए हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये एक है, उसमें 56 शर्तें हैं। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल वो एक चैप्टर है, उसमें 65 शर्तें हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एक चैप्टर है, उसमें 78 शर्तें हैं। ऐसे 28 अध्याय हैं, कुल 2000 शर्तें हैं। उन्हीं में से महाराज जी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि गैट करार साइन करने वाले देशों में जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा, बहुतांश माने ज्यादा से ज्यादा देशों में जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा वही दूसरे देशों को भी लागू करना पड़ेगा, ये उसमें एक शर्त है। अब देखिए, गैट करार सही किए हुए देश हैं लगभग 124 देशों में जो ज्यादा से ज्यादा देशों में टैक्स का स्ट्रक्चर होगा वही भारत को भी लागू पड़ेगा। तो ये जो देशों ने गैट करार सही किया है उसमें से एक देश को छोड़कर, एक देश माने अमेरिका, अमेरिका को छोड़कर सभी देशों में वैल्यू एडेड टैक्स है, तो भारत को भी यही टैक्स लागू करना पड़ेगा, ये है उसकी शर्त। अब गैट करार सही हमने किया 15 दिसंबर 1994 को, उसके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2005, और भारत सरकार ने घोषणा किया कि 1 अप्रैल 2005 से हम वैट को लाएंगे। माने गैट करार की शर्त को पालन करने के लिए भारत सरकार एक नया कानून लाई है जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का कानून बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक समिति की स्थापना किया, उस समिति का अध्यक्ष बनाया असीम दास गुप्ता, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने एक बार उनको एक लेटर भेजा था, खत भेजा था कि आप ये जो वैट का कानून ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं, हमने कभी बोला नहीं, भारत की प्रजा ने कभी मांग नहीं किया कि हमारे ऊपर वैट लाओ, भारत के व्यापारी और उद्योगपतियों ने कभी मांग नहीं किया कि हमारे ऊपर वैट लाओ, भारत के शेतकरी बांधवों ने, खेडूतों ने कभी मांग नहीं किया हमारे ऊपर वैट लाओ। भारत की प्रजा मांग करती नहीं है, व्यापारी उद्योगपति मांग करते नहीं है, तो फिर आप लाते किसके लिए? तो कहने लगा हम WTO की कंडीशन पूरी करने के लिए बैठ रहे हैं।
तो ये WTO की कंडीशन में बैठ है, इसलिए सरकार लाई है। अब मैंने एक बार असीम दास गुप्ता को एक पलट प्रश्न किया जिसका आज तक उत्तर नहीं दिया कि ठीक है WTO की कंडीशन है तो भारत को वैट लाना है, अमरीका को क्यों नहीं लाना? अमरीका ने भी WTO साइन किया है, अमरीका भी विश्व व्यापार संगठन समझौते का सदस्य है, तो अमरीका तो वैट लाता नहीं है, आप क्यों वैट ला रहे? इसका आज तक उत्तर नहीं है। मैंने इसका उत्तर जानने की कोशिश की कि अमरीका नाम के देश ने वैट क्यों नहीं लाया आज तक, क्योंकि अमरीका तो बहुत प्रोग्रेसिव देश है, बहुत मॉडर्न देश है, बहुत आधुनिक देश है, बहुत प्रगतिशील देश है, बहुत तेजी से तरक्की पसंद देश है। अगर इतना तरक्की पसंद देश है, इतना प्रगतिशील है, इतना तेजी से आगे बढ़ने वाला है, तो वो वैल्यू एडेड टैक्स क्यों नहीं लाया अपने देश में अभी तक? ये जानने की जब मैंने कोशिश की तो मुझे माहिती मिली कि अमरीका की संसद में पिछले 20 साल से बहस हो रही है लेकिन वैट का कानून लागू नहीं हो रहा। बहस हो रही है, कानून लागू नहीं हो रहा। कारण क्या है? अमरीका में दो राजकीय पक्ष हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट। दोनों राजकीय पक्ष के जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बहस कर रहे हैं संसद में, कानून नहीं लागू कर रहे। उनमें से एक एमपी है, उसको मैंने ईमेल किया, उसका नाम है फ्रैंक पोलैंड। मैंने उसको एक ईमेल किया और पूछा कि आपके देश की संसद में 20 साल से बहस होती है, आप वैट क्यों नहीं लाते हैं? और WTO की भी कंडीशन है फिर भी आप वैट नहीं लाते हैं, इसका कारण क्या है? फ्रैंक पोलैंड ने कहा कि हमारे देश में अगर हम वैट लाएंगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था टूट जाएगी, इसके लिए हम वैट नहीं लाते हैं। मैंने उसको पूछा आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसे टूट जाएगी? वो कहता है कि हमारा देश अमरीका कैसा देश है, हमारे यहाँ कोई वस्तु जब बनती है किसी कारखाने में और ग्राहक के हाथ में जब पहुंचती है तो कम से कम 3-4 बार वो अलग अलग लोगों के पास से गुजरती है। वो स्टॉकिस्ट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, एरिया रिटेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। और वैल्यू एडेड टैक्स की डेफिनेशन है कि कोई वस्तु जितनी बार बिके, जितनी बार उसमें वैल्यू एडिशन हो, जितनी बार उसमें मूल्य का बढ़ना हो, उतनी बार उस पर टैक्स लगे। तो वो कहते हैं कि अमरीका में माल बनाने से माल बिकने तक 3-4 चरण में वस्तु घूमती है, अगर हम वैट लाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो अमरीका की इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाएगी, इसलिए हम वैट नहीं लाते। एक बात। दूसरी बात उसने कही, हमारा जो संविधान है अमरीका का, वो राज्यों के विशेष अधिकार की बात करता है और अमरीका में 50 राज्य हैं, हर एक राज्य को उतनी ही ताकत है जितनी अमरीका की सरकार को। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये अमेरिका की केंद्र सरकार है और अमेरिका में 50 राज्यों की राज्य सरकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार बराबर है, केंद्र को कुछ टैक्स लेने का अधिकार है तो राज्य को भी विशेष टैक्स लेने का अधिकार है। और अमरीका के संविधान में बिक्री कर, सेल्स टैक्स, राज्य के विशेष टैक्स के अधिकार कानून में आता है और वैट लाने से वो सेल्स टैक्स हटाना पड़ता है, राज्यों के अधिकार खत्म होते हैं। इसलिए वो कहते हैं हम हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए वैट नहीं लाते। वो कहते हैं हमारा संविधान संघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम इसलिए वैट नहीं लाते। ये दो बातें, ये दोनों बातें भारत में भी लागू होती है। भारतीय संविधान भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बस इतना ही अंतर है कि भारत में एक केंद्र सरकार है और 30 राज्य सरकार है, अमेरिका में एक केंद्र सरकार है 50 राज्य सरकार है, नंबर का फर्क है। दोनों ही जगह राज्यों को विशेष अधिकार है और भारतीय संविधान में भी बिक्री कर का विशेष अधिकार राज्य को है, लेकिन हमारी सरकार उसका उल्लंघन करके वैट ला सकती है, अमेरिका की सरकार कहती है हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर मैंने फ्रैंक पोलैंड को पूछा, अगर आपके संविधान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते तो WTO की शर्त का उल्लंघन कैसे कर सकते? तब उसने मुझे बताया कि हमने WTO को साइन करने के पहले हमारे संविधान में एक संशोधन किया है और वो संशोधन ये है कि जब भी अमेरिका का संविधान और दुनिया का कोई भी समझौता एक दूसरे के विपरीत होंगे तब हमेशा तब अमेरिका का संविधान ही लागू होगा, समझौते की कोई ताकत नहीं होगी।
ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रवेल। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का झगड़ा होगा देन ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रवेल। फ्रैंक पॉलन ने मुझे ये कहा, यही बात मैंने भारत के दो मंत्रियों को कही।